अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग। टच समथिंग हॉट, जब हम किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं, योर सेंसेस, तो आपके सेंसेस इमीडिएटली टेल यू टू पुट योर हैंड अवे, तो आपके सेंसेस फौरन आपको बताती हैं कि आपको अपना हाथ खींचना चाहिए। हॉटनेस इज अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। हॉटनेस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हीट एनर्जी की मिकदार होती है। अ स्पार्क फ्रॉम फायरवर्क मे बी वेरी हॉट, जब हम फायरवर्क से निकलने वाले स्पार्क को देखते हैं तो वो हमें बहुत हॉट नज़र आता है, बट इट विल नॉट हर्ट वेरी मच, लेकिन ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा हॉट नहीं होता। हाउएवर इवन थ्रू अ कप ऑफ टी, जबकि एक चाय का कप मे नॉट बी वेरी हॉट, इतना ज़्यादा गर्म नज़र नहीं आता। इट कैन स्टिल बर्न द टंग, लेकिन ये हमारी ज़ुबान को जला देता है, बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है और ये ज़्यादा हॉट होता है। दीज स्पार्क्स डू नॉट हैव मच हीट एनर्जी, ये जो स्पार्क निकल रहे हैं फायरवर्क से, इनके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये कम हॉट होते हैं। यू कैन बर्न योर सेल्फ विद दिस टी, चाय से हम खुद को जला सकते हैं, इवन थ्रू इट इज़ नॉट वेरी हॉट, हत्ताकि ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं लगती, लेकिन हम इससे बर्न क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड हीट। हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम, हीट और टेम्परेचर दोनों सेम चीज़ नहीं है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर एक्चुअल में पैमाइश है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसकी पैमाइश हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद थर्मोमीटर, इसे हम थर्मोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। हीट हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। इट इज़ मेजर्ड इन जोल्स एंड किलो जोल्स, इसे हम जोल्स और किलो जोल्स में मेजर करते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट सॉलिड लिक्विड गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम, और ये पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। द मोर एनर्जी द पार्टिकल्स हैव मोर दे मूव अबाउट, पार्टिकल्स के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा मूव करते हैं। ऑपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू, और इसके ऑपोजिट भी ट्रू है। एज दे लूज एनर्जी, जैसे ये एनर्जी लूज़ करते हैं, दे मूव अबाउट लेस, तो इनकी मूवमेंट कम हो जाती है, ये कम मूव करते हैं। दिस चेंज इन द एनर्जी इज़ वट इज़ हीट, ये जो चेंज इन एनर्जी है ये एक्चुअल में हीट है, कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा मूव करेगी उसके अंदर हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, अगर उसके अंदर एनर्जी कम है तो वो कम मूव करेगी। एज अ सॉलिड कूल, जैसे ही हम किसी भी सॉलिड को ठंडा करते हैं, हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड, तो उसमें से हीट एनर्जी ख़त्म हो जाती है। द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली, पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना शुरू कर देते हैं, अनटिल दे स्टॉप मूविंग टुगेदर, इवन के इनकी जो मूवमेंट है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग, वो टेम्परेचर जिस पर पार्टिकल्स मूव करना स्टॉप कर देते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी मटेरियल के पास हीट एनर्जी नहीं होती। दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर
कितना होता है -2 डिग्री सेल्सियस। फॉर द साइंटिफिक वर्क इट इज कन्वीनियंट टू यूज द टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट द एब्सोल्यूट जीरो। साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए एक और टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं जो एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होती है। दिस टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल, और इस टेम्परेचर स्केल को हम केल्विन स्केल कहते हैं। इट इज स्टार्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होती है एंड हैज़ डिग्री विच आर द सेम साइज एज द डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, और इसकी डिग्री सेल्सियस स्केल की डिग्री के मुताबिक ही होती है। मीन केल्विन स्केल की डिग्री और सेल्सियस स्केल की डिग्री का सेम साइज होता है। नाउ लुक एट द स्केल। केल्विन स्केल एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होता है जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है। जीरो केल्विन होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर केल्विन में 173 होगा तो सेल्सियस में -100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये स्केल मूव करती रहती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।